हेलो दोस्तों, ये मारुति की सिलेरियो गाड़ी है। इसमें इसका कूलिंग कॉइल लीकेज हो गया है, तो आइए हम इसका कूलिंग कॉइल रिप्लेस करने का प्रोसेस बताते हैं आपको। यहाँ पर से इसका सक्शन लिक्विड पाइप खोलना है, उसके बाद ये इसका दोनों हीटर पाइप जो गर्म हवा के लिए लगे रहते हैं अंदर में, उसको ठीक कनेक्ट करना है बाहर से, बस दो चीज़। वो अंदर का खोलने के लिए दोनों 12 नंबर बोल्ट खोलना पड़ेगा, यहाँ का पैनल खोलना पड़ेगा, गियर बॉक्स का पैनल, ये दो लॉक रहता है, और अंदर की जो भी CM में जितनी वायरिंग है जो डैशबोर्ड से इंक्लूड है वो खोलना पड़ेगा। यहाँ पर स्टीयरिंग का 12 नंबर बोल्ट और एक ऊपर में ब्रेक पैडल में 12 नंबर बोल्ट वो खोलना पड़ेगा, और इसका हीटर एडजस्टमेंट और फेस एडजस्टमेंट वाला दोनों शटर का केबल खोलना पड़ेगा, और यहाँ पर एक अर्थिंग देता है उसको खोलना पड़ेगा इसका, और ऊपर से साइड पैनल दोनों साइड का, और इस तरफ से भी पूरी वायरिंग जो डैशबोर्ड में लगी हो जो डैशबोर्ड के साथ आए। गियर पैनल का कवर निकालने के बाद दो स्क्रू दिया गया है, और यहाँ पर 10 नंबर बोल्ट दोनों साइड उसको खोल लेना है, और यहाँ नीचे से पूरी वायरिंग। गियर कवर खोलने के बाद यहाँ पट्टी लगी हुई है दोनों साइड, 12 नंबर बोल्ट है, इसको दोनों खोल के बाहर करना है। इसका गियर पैनल बाहर करने के लिए इसका चार्ज को बोल्ट खोल के ये पैनल पूरा बाहर कर लेंगे, इस तरह ये कंप्लीट बाहर आ जाएगा डैशबोर्ड। कूलिंग कॉइल का पोजीशन खोलने के लिए इसका 10 नंबर का बोल्ट दिया, ऊपर नीचे कंप्लीट बाहर लाना है। ये हैचबैक खोलने के बाद इसके ऊपर प्लास्टिक खोल के इसका कूलिंग कॉइल बाहर, और लॉक खोलने के बाद ये कवर बाहर निकलेगा, अब ये इसका कूलिंग कॉइल ये इसको बाहर कर, ये सब कवर हीटर कॉइल खोलने के बाद ये आपका कूलिंग कॉइल बाहर आ जाएगा। पकड़ के रखो ये ऐसा कूलिंग कॉइल बाहर, अब अपन इसको बाहर चेक करके दिखाते हैं। कॉइल में अलग से प्रेशर डाल रहे हैं डॉक्टर लगा के, अभी आपको दिखाएंगे लीकेज कहाँ पर। पूरा खोलने के बाद इस तरह आएगा सामने, कुछ नहीं बचेगा इसमें, देख दे दे यहाँ पर से तो कूलिंग कॉइल लीकेज हुआ खा रहे हैं, हम इसको नया डाल के आपको बताते हैं।